नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप देख रहे हैं टेक हाउस। काफ़ी टाइम से हम जो है प्लान कर रहे थे एक DSLR कैमरा लेने के लिए, लेकिन मार्केट के अंदर जिस हिसाब से DSLR अवेलेबल है, मिरर DSLR हैं, मिरर लेस DSLR हैं, या डिफरेंट डिफरेंट बजट्स के अंदर बहुत सारे DSLR अवेलेबल होने की वजह से काइंड ऑफ एक कन्फ्यूज़न था कि कौन सा DSLR हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अगर मार्केट की मैं बात करूं तो वहाँ पर 50,000 रुपीज़ से नीचे बहुत सारे DSLR अवेलेबल हैं। कुछ DSLR जो हैं अपनी फ़ोटो क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, कुछ अपनी वीडियो क्वालिटी के लिए। लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो कुछ ऐसी थी कि हमें मेजर जो हमारा पार्ट था, तकरीबन 80% वो हमारा था कि हमें वीडियो कंटेंट जो है बनाना था, तो हमारा मेन फोकस उसके ऊपर था। लेकिन एट द सेम टाइम हम सेम DSLR को अगर फॉर एग्जांपल हम कहीं आउटिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें जो है पिक्चर्स भी क्लिक करने होते थे। तो काफ़ी टाइम के बाद जो है हमने डिसाइड किया एक कैमरा लेने के लिए, DSLR लेने के लिए। तो आज उसी DSLR की अनबॉक्सिंग और रिव्यू हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। प्रोडक्ट अनबॉक्स करने से पहले हम एक चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि क्या YouTube के ऊपर वीडियोस बनाने के लिए DSLR नेसेसरी है, क्या उसकी ज़रूरत है? तो मेरा इसके लिए आंसर रहेगा कि नहीं, क्योंकि मैं जो है काफ़ी टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ, और वो भी अपने मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करके। पहले मेरे पास रेडमी का मोबाइल था, अभी मेरे पास एसूस का जैन फोन मैक्स प्रो M1 मोबाइल है। तो काफ़ी टाइम से मैं मोबाइल से ही वीडियो बना रहा हूँ, और आगे भी जो है काफ़ी मेरा जो कंटेंट आने वाला है वो भी मोबाइल के अंदर ही रहेगा। तो अब सवाल आता है कि हमें DSLR लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? DSLR की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा एक दूसरा भी YouTube चैनल है जो कि जो है विलेज लाइफ या व्लॉगिंग काइंड ऑफ का है, जिसमें जो है हम विलेज लेवल पे ट्रेडिशनल स्टाइल के अंदर फूड वगैरह जो है बनाते हैं, और वहाँ पर विलेज की लाइफ दिखाते हैं। तो काइंड ऑफ हमें वहाँ पर जो है DSLR की ज़रूरत थी। अगर मैं बात करूं जहाँ पर मैं रहता हूँ, जो मेरा गांव है, वहाँ पर हमारे पास जो है काइंड ऑफ बोल सकते हैं खेत खलिहान है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें कैप्चर करनी थी। तो हम ये चाहते थे कि जो व्लॉग या उस चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए जो है क्वालिटी मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं अभी जो हमारा चैनल है वो टैग का है, यहाँ पर कंटेंट मैटर करता है। लेकिन व्लॉगिंग होती है जहाँ पर फूड वगैरह बनाना दिखाते हैं, वहाँ पर क्वालिटी मैटर करती है। तो बेसिकली हमने उस चैनल के लिए जो है DSLR बाय किया है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारा जो करंट चैनल है टेक हाउस का जो चैनल है, वहाँ पर भी जो है हम इस DSLR कैमरा का यूज़ करेंगे। अब अगर चैनल की बात करूँ तो अगर आपका किसी का भी अगर इंटरेस्ट है व्लॉगिंग का, विलेज जो स्टाइल्स है अगर वो देखने का कि गांव के अंदर लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाना बनता है, और अगर आपको थोड़ा ग्रीनरी, खेत खलिहान जैसी चीज़ें अगर आपका देखने का इंटरेस्ट है, तो आप प्लीज़ आप जो है उस चैनल को जाके जो है विजिट कीजिए। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर बात करें कि कौन सा DSLR कैमरा मैंने लिया है, तो मैंने लिया है पैनासोनिक ल्यूमिक्स G7। ये कैमरा जो है मैंने बाय किया है अमेज़ॉन की वेबसाइट से। तो चलिए इस प्रोडक्ट को अब रिव्यू करते हैं। बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही हमें सबसे पहले मिलता है इसका बुकलेट और DVD। ये गाइड बुक है जिसको आप पढ़ सकते हैं, कैमरा के फंक्शंस के बारे में जानना है या ज़्यादा जानकारी के लिए। तो अभी हम इसको जो है साइड में रख देते हैं। तो जो सबसे पहली एसेसरी जो हमें कैम के साथ मिलती है वो है इसका बैटरी का चार्जर और केबल के साथ। जो सेकंड थिंग है वो है कैमरा की जो बैटरी है, इसकी कैपेसिटी 1200 mAh है, जो कि हमें सिर्फ एक सिंगल बैटरी ही इसके साथ हमें मिलती है। अब हमारे पास है किट लेंस के ऊपर लगाने के लिए कैप। ये है हमारा मेन किट लेंस जो हमें इस कैम के साथ मिलता है, ये है 14-42 mm लेंस। ये है हमारे पैनासोनिक ल्यूमिक्स G7 की कैमरा बॉडी जो कि काफ़ी ही लाइट वेट है क्योंकि ये एक मिररलेस कैमरा है।
इस स्कैम के साथ जो है हमें किसी तरह का कोई भी, लाइक मैंने बताया कि सिर्फ ये चीज़ें जो मैंने दिखाई है सिर्फ वही मिलती है, एक्सटर्नली कोई मेमोरी कार्ड या कुछ नहीं मिलता। तो उसके लिए हमने अलग से जो है बाय किया है जो मेमोरी कार्ड है, तो आप वो जो है अगर आप ये बाय करते हैं तो ये चीज़ें आपको अलग से बाय करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मैम जो है इंसर्ट कर देते हैं। तो अब जब हम इसको ऑन अगर करते हैं तो ये देखिए ये ऑन हो चुका है। तो जैसे ही इसके साथ हम किट लेंस अटैच करते हैं तो उसके बाद ही काम करना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए अब इस प्रोडक्ट का एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि लाइक किस तरह से, लाइक क्या इसकी वीडियो क्वालिटी है, क्या क्या इसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ हैं या क्या अलग चीज़ें हैं। अब जो है मैंने इसके अंदर जो है लेंसेज वगैरह सेट कर लिए हैं, तो अब चलिए कुछ इमेजेस हम कैप्चर करते हैं, साथ ही में जो है कुछ वीडियो सैंपल्स भी आपको जो है इसके दिखाते हैं। अब अगर रीजंस की बात करें तो किन रीजंस की वजह से मैंने जो है चूज़ किया पैनासोनिक ल्यूमिक्स G7 का कैम, क्योंकि मेरे पास और भी ऑप्शन थे मार्केट के अंदर। अगर मैं बात करूँ कैनन है या निकोन है, उनके भी कैम मैं ले सकता था, क्योंकि उनकी जो सर्विस है, खासकर अगर मैं बात करूँ सर्विस सेंटर बहुत ज़्यादा है, पैनासोनिक के सर्विस सेंटर लाइक इंडिया के अंदर बहुत कम है। लेकिन उनकी अगर मैं बात करूँ जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेटर है। लेकिन जो मेरे रीजंस हैं पैनासोनिक ल्यूमिक्स G7 लेने के, वो आपको जो है बॉक्स के पीछे भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन इसके अंदर वही है कि इसके अंदर 16 मेगापिक्सल का जो है ये कैमरा, इसकी जो कैपेबिलिटी है वो 16 मेगापिक्सल की है। दूसरा, ये फुल HD जो है उसमें रिकॉर्ड करता है। तीसरी जो मेन चीज़ है जिसकी वजह से हमने ये लिया है कि ये 4K वीडियो जो है सपोर्ट करता है, क्योंकि अगर आप, मैं बात करूँ 50K के बजट से नीचे कोई भी कैम देखते हैं तो वहाँ पर आपको 4K का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये पहला ऐसा ऑप्शन है पैनासोनिक ल्यूमिक्स G7 का जिसमें आपको 50K से नीचे जो है मिररलेस प्लस 4K मिलता है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ कैनन की, तो कैनन का M50 जो आता है DSLR वो तकरीबन 52-3 या तकरीबन इतने का है, लेकिन ओबियसली वो 50 से ऊपर चला गया, लेकिन ये 50 से काफ़ी नीचे है। तो इसमें 4K का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको मिलता है। ये मेरा एक मेन रीज़न था, क्योंकि जो हम अपने जो दूसरा चैनल है उसके लिए जो वीडियो शूट करते हैं उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स या यूज़र होते हैं जो 4K क्वालिटी के TV के ऊपर इस तरह की वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं, ग्रीनरी है या फूड रिलेटेड चीज़ें हैं। तो उस पर्पज़ के लिए हमने जो है 4K चूज़ किया। नेक्स्ट ऑप्शन, फ्लिपेबल स्क्रीन है इसके अंदर, जो टच स्क्रीन है वो फ्लिपेबल है, फ्लिप होके जो है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। एक जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि क्योंकि हमारे जो वीडियोज़ हैं वो हमें कई बार क्या होते हैं, या तो सुबह या शाम के टाइम पे हम वीडियो जो है कैप्चर करते हैं, उस समय जो है सनलाइट बहुत ही कम अवेलेबल होती है। तो उस केस में ये जो कैमरा है इसकी लो लाइट जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है।
इसकी जो स्क्रीन है वो फुल्ली जो है टच स्क्रीन है। इसके अंदर आप जो है 4K की वीडियो के साथ साथ 4K के अंदर इसके अंदर बर्स्ट इमेज का ऑप्शन है। वहाँ पर आप जो है कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है वहाँ पर आप जो है बस मतलब इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं, वहाँ से कोई पर्टिकुलर एक इमेज जो है आप सेव कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। और जो टाइम लैप्स है या स्टॉप मोशन वो तो लाइक और कैम्स हैं उनके अंदर भी आपको जो है देखने को वहाँ पर मिल जाती है। एक जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है वायरलेस का ऑप्शन, क्योंकि आजकल वायरलेस होना कैमरा की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप कैमरा से थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर हैं जहां आपको जो स्क्रीन है इसकी फ्लिपेबल स्क्रीन है अगर वहां भी आप नहीं देख पा रहे कि कौन सा एंगल आ रहा है, तो उस केस में आप जो है अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आप जो है अपनी वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं या इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं, बहुत सारे एक्शन जो हैं आप अपने मोबाइल फ़ोन से यूज़ कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके। इस प्रोडक्ट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ पर जाकर आप जो है चेक कर सकते हैं। बहुत ही जल्द हमारे जो कैमराज की जो एसेसरीज़ के जो प्रोडक्ट हैं उनकी अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ की वीडियो भी आने वाली है, तो उसके लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और इसी तरह की टेक और ट्रेंडी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक हाउस चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।